नमस्ते दोस्तों, मैं सही गलत के ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि पिछली सीरीज में मैंने दृष्टिकोण के बारे में बताया था कि सही गलत क्या होता है, कि सही गलत दृष्टिकोण होता है, सही गलत नज़रिया होता है और सही विचार होते हैं, सही सोच होती है, सही भ्रम भी होता है। आज मैं आपको सही गलत भ्रम होता है इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, आपने क्या कहते हैं चंद्रमा को, तारे, सूरज, ये सब चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आप जैसे सूरज और चंद्रमा को देखते हैं तो ये चपटे तस्तरी की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये गोल हैं। हमें जो दिखाई देता है कि जैसे चंद्रमा और सूरज चपटे दिखाई पड़ते हैं, तस्तरी जैसे दिखाई पड़ते हैं, ये हमारा भ्रम है, क्योंकि वास्तव में ये गोल हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे सूरज है, सुबह पूरब से उगता है और दोपहर में ऊपर आकर शाम को पश्चिम में डूब जाता है, ऐसा क्या कहते हैं, और सवेरे अगली सुबह फिर पूरब से उगता है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हजारों साल पहले भी सारी दुनिया ये मानती थी कि सूरज पृथ्वी जो है सूरज जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका कारण ये है कि उन्हें यही दिखाई पड़ता था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि हमको जो दिखता है उसे ही हम सही समझते हैं। इसीलिए हजारों साल पहले ये माना जाता था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब जैसे आप ये देखिए, मैंने दो लाइन ये खींच रखी हैं और इसमें ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करी हुई हैं, और देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि किसी नहर में पानी बह रहा है, लेकिन वास्तव में ये दो लाइन ऊपर से नीचे खींची गई हैं। ये भी भ्रम की वजह से होता है। और मैंने चिड़िया ऊपर से नीचे छोटी बड़ी बना रखी हैं, लेकिन देखने पर ऐसे लगेगा कि कुछ चिड़िया आगे उड़ रही हैं, कुछ चिड़िया पीछे उड़ रही हैं। ऐसे ही आप रेगिस्तान में चले जाओ, रेगिस्तान में मरीचिका होती है, उसमें क्या है, आप देखेंगे तो काफ़ी दूरी पर पानी दिखाई पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाएंगे तो पानी की जगह रेत मिलेगा। ऐसे ही पांडवों ने अपना एक महल बनाया था, उसमें पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी दिखाई पड़ता था, तो ये भी दृष्टि भ्रम के कारण होता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा महल बना सकता हूँ जिसमें पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी दिखे। और ऐसे ही आप जंगल में चले जाओ, जो कस्तूरी मृग होता है वो चारों तरफ भागता रहता है कस्तूरी की खुशबू की वजह से, लेकिन वास्तव में जो कस्तूरी की खुशबू होती है उसके पेट के अंदर होती है। तो इन भ्रमों की वजह से आदमी इधर उधर भागता रहता है, जबकि सच्चाई उसके अपने अंदर ही होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी को सही गलत समझते हैं तो पहली नज़र में देखकर किसी बात को सही या गलत ना समझें, उसकी पूरी सच्चाई जाने, अंदर तक की पूरी बात जाने, उसके बाद ही उस चीज़ को सही या गलत समझें। आप लोगों का धन्यवाद।